ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन। देखिए, बायो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और अब आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक्चुअल में तो आपकी जो 10th की बायो है वो है ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि सारी ह्यूमंस के बारे में है, अपने बारे में ही है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे प्रोसेसेस आपके अंदर ही हो रहे हैं, तो नेचुरल है कि इनको जानने के बारे में भी आपकी जिज्ञासा है, आपकी क्यूरियोसिटी है कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सुविधाजनक स्टडी के लिए, जिसमें एक पार्ट को तो बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स अभी आगे जाके चैप्टर आएगा। ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, काफ़ी सेल्स मिल जाती हैं और वो फंक्शन करती हैं, कुछ सिक्रेशंस छोड़ती हैं, एंजाइम हार्मोन्स वगैरह, जो हमारे जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो एलिमेंट्री कनाल, यानी कि दो भागों में हमने डिवाइड कर लिया इसको इजी स्टडी के लिए, एक एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कनाल क्या है। तो ये जो एलिमेंट्री कनाल है इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। एलिमेंट्री कनाल क्या है? वो पूरा रास्ता जहाँ से फूड हम लेते हैं और उसके बाद अंदर जाके उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? एलिमेंट्री कनाल के अंदर आते हैं। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। जैसे यहाँ से माउथ से शुरू होता है, तो माउथ से शुरू होकर फिर आती है बक्कल कैविटी, फिर आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये फूड पाइप है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। इसके बाद ये स्टोमक है, पेट है। इसके बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट में क्या आता है? एनस। तो टोटल ये 8 चीज़ें हैं एलिमेंट्री कनाल को हम पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कनाल है क्या पहले? तो ह्यूमन बींग्स में है ये। इसकी लेंथ काफ़ी होती है, 22 फिट के करीब इसकी लेंथ है। ये कंटिन्यूस कनाल है और मसल से बनी हुई है, यानी कि मस्कुलर है। डाइजेशन का काम करवाती है तो डाइजेस्टिव है। तो तीनों वर्ड्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेंथ तो इसकी है ही, इट इज कंटिन्यूस मस्कुलर डाइजेस्टिव कनाल। तो कोई अगर हमसे पूछे भाई डिफाइन करो एलिमेंट्री कनाल क्या है, तो एलिमेंट्री कनाल क्या है? इट इज कंटिन्यूस मस्कुलर डाइजेस्टिव कनाल एंड इट इज कंसिस्टेड ऑफ 8 पार्ट्स। इसको फिर हमने 8 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर दिया, जिसमें सबसे पहला यानी कि फूड, एलिमेंट्री कनाल क्या है? वो रास्ता जहाँ से फूड गुजरता है, यानी कि इनटेक जो माउथ में हम करते हैं, माउथ के थ्रू इनटेक करेंगे, भोजन लेंगे, वहाँ से जब वो एक्सक्रीटेड हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड एनस से, तो जितने भी ये बीच में ऑर्गन्स आएंगे ये एलिमेंट्री कनाल का ही पार्ट हैं। जैसे सबसे पहले फूड इंजेशन करेंगे हम माउथ से, तो पहला पार्ट है माउथ, दूसरा है बक्कल कैविटी, जो स्पेसियस कैविटी है, तीसरा है फेरिंक्स। अभी इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। चौथा है फेरिंक्स के बाद है ईसोफेगस, ये जो फूड पाइप है, ये जो फूड पाइप है ये ईसोफेगस, और यहां से फूड, देखो पहले फूड कहाँ आया? माउथ में। माउथ से बक्कल कैविटी, ये जो अंदर कैविटी है खाली, ये होगी बक्कल कैविटी। फिर फेरिंक्स, यानी कि एक चौराहा बनता है जहाँ पे फूड और एयर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो क्या है? फेरिंक्स। फिर फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। इसके बाद
फूड कहाँ जाएगा इसोफेगस से? स्टमक के अंदर। स्टमक में इसका थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन, इसके बाद ये पहुंच जाएगा यहां पे इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके नाम में भी झोलझाल है, क्योंकि इसका नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये होती बहुत बड़ी है। ये लगभग 7 मीटर लंबी होती है लेकिन ये कोइल्ड फॉर्म में इस तरह मुड़ी हुई ऐसे पड़ी रहती है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके लिए है नाम बड़े दर्शन छोटे। ये कुल 1.5 मीटर के करीब होती है, 1.5 मीटर्स के करीब है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर पड़ी हुई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद फूड कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। फूड का डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। पार्शियल यहाँ होगा, कंप्लीट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहीं पे एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है, तो लार्ज इंटेस्टाइन उसको पहले इकट्ठा करेगी, स्टोर करेगी, और एनस के थ्रू, एनस क्या है? एनस ओपनिंग है, यानी कि इस एलिमेंट्री कनाल में दो ओपनिंग है, एक माउथ जहाँ से फूड इनटेक किया जाता है और एनस जहाँ से उसका रिमूवल किया जाता है। तो जो लास्ट ओपनिंग है वो क्या है? एनस। लास्ट और फर्स्ट तो नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे एलिमेंट्री कनाल में देर आर टू ओपनिंग्स। द ओपनिंग थ्रू विच द फूड इज इंजेस्टेड इज माउथ, एंड द ओपनिंग थ्रू विच द फूड इज एक्सक्रीटेड, द अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड इज एक्सक्रीटेड, दैट इज कॉल्ड एनस। तो ये जो 8 पार्ट्स हैं जिसमें हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया एलिमेंट्री कनाल को, इनके बारे में हमने अब पढ़ना है। तो पढ़ते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे ये पता है, इस चीज़ का आभास है मुझे कि CBSE बोर्ड में या कोई भी स्टेट बोर्ड है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से ये चीज़ें ना पूछी जाती हों, लेकिन क्योंकि आप NTSC की भी तैयारी कर रहे होंगे तो इसलिए मेरी कोशिश है कि काफ़ी कुछ डिटेल को मैं टच करता हुआ चलूं जो आपके काम आ सके। बेफिक्र रहिए, जैसे ये ख़त्म होगा तो लास्ट में मैं आपको 2 और 3 मिनट्स में ये क्लियर कर दूँगा कि डाइजेशन क्या है, और जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको कितना लिखना है, कैसे लिखेंगे। लेकिन पहले हम डिटेल से ही बात करेंगे सारी बातों की। एलिमेंट्री कनाल, तो इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू दीज 8 पार्ट्स और ऑर्गन्स। अब शुरू करते हैं पहले से। सबसे पहला कौन आया? माउथ। शायद ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है कि माउथ क्या है। माउथ क्या है? एक स्लिट है, एक ओपनिंग है जो बाउंडेड है, जिसके चारों तरफ क्या है? मूवेबल लिप्स हैं। ये तो कोई बताने की बात ही नहीं, सभी को पता है माउथ क्या होता है। तो माउथ क्या है? इट इज ए स्लिट। ये एक स्लिट है, ये लिखी सीरियल, देखो लिखना ज़रूरी क्यों है? बायो में लिखना बहुत ज़रूरी है। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आता है, जब कोई दूसरा पढ़ा रहा होता है तो भी बहुत अच्छा समझ में आता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है जब आपसे कहा जाएगा ना ये लिखो, फिर उसमें थोड़ी बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री की बजाय थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं सारी बातें लिखूं ताकि आपको ये क्लियर रहे कि आपसे जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर क्या देंगे। तो माउथ क्या है? इट इज़ ए स्लिट और ओपनिंग बाउंडेड बाई टू मूवेबल लिप्स। ये माउथ है, इसका काम, तो माउथ का सबसे मेन काम तो यही है इंजेशन ऑफ फूड। जो हमारी बॉडी के अंदर फूड इंजेस्ट होगा, लिया जाएगा, वो किसके थ्रू लिया जाएगा? माउथ के थ्रू। तो इसका फंक्शन क्या है? इंजेशन ऑफ फूड। क्या और कोई भी फंक्शन है? हाँ बिल्कुल है। जब आप बोल रहे हैं तो बोल भी माउथ से रहे हैं, यानी कि स्पीकिंग। इसके अलावा ब्रीदिंग भी माउथ से होती है।
हालांकि जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेना है, ये नाक से होना चाहिए और उसी से होता है, करना भी उसी से चाहिए, लेकिन माउथ भी ब्रीदिंग में काम दे सकता है। नोज के थ्रू क्यों होना चाहिए, ये आप आगे जाके पढ़ भी लेंगे। सीधी सी बात है कि नोज में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, हेयर स्ट्रक्चर्स, वो एक तो फिल्टर कर देते हैं हेयर को, और एक ये जो नेजल पैसेज है, यहाँ से जब घूम के हवा आएगी तो टेम्परेचर उसका एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी माउथ का यूज भी होता है, किसके लिए, ब्रीदिंग के लिए, इंजेक्शन ऑफ फूड के लिए है, स्पीकिंग के लिए है, तो ये सारे यूज़ हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो फिर इसी के अंदर आ जाएंगे। अब आप कहें कि कोई गाना गाता है उसके लिए माउथ का यूज़ है, तो फिर भी इस चैप्टर में मेन काम, हम क्योंकि डाइजेशन की पढ़ रहे हैं तो माउथ का मेन काम इस चैप्टर के अनुसार क्या है, अपना इंजेक्शन ऑफ फूड, ये माउथ का काम है। नेक्स्ट दूसरा है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है, ये है स्पेसियस रीजन, एक स्पेस है हेड के रीजन में, जो ये जो स्पेस अंदर, ये जितना भी स्पेस है ये क्या है, ये बक्कल कैविटी है, जिसके लोअर सरफेस के ऊपर अपनी जो जीभ है, टंग, वो अटैच है, यही बक्कल कैविटी है। और जो ऊपर वाला है, जो हार्ड सरफेस है, उसको बोलते हैं पैलेट। तो ये जो पैलेट है ऊपर और लोअर सरफेस पे क्या है, टंग अटैच्ड है, यही जो खाली कैविटी है यही क्या होती है, बक्कल कैविटी होती है। तो ये बक्कल कैविटी क्या है, ये स्पेसियस रीजन है, यानी कि स्पेस रीजन इन हेड एरिया या हेड रीजन कह सकते हैं, उसमें जो स्पेसियस है वो क्या है, बक्कल कैविटी है। अब इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या क्या मेन चीजें हैं, ये कैविटी तो हमने कह दी, क्योंकि कैविटी का मतलब ही होता है ब्लैंक स्पेस, लेकिन ये ब्लैंक नहीं है, इसके अंदर क्या क्या मेन चीज है, तो इसके अंदर तीन मेन चीज हैं जो हमने देखनी है। सबसे ऊपर वाली तो इसकी जो हार्ड पैलेट, यानी जो एक रूफ की तरह है, वो है हार्ड पैलेट। दूसरा इसमें है टंग, और तीसरे इसमें है टीथ। ये तीन चीजें हैं मेनली बक्कल कैविटी में, तो इनके बारे में देखते हैं। ये 8 पार्ट्स थे, अब इनको हम बारी बारी से डिस्कस यहां कर रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, अब बात कर रहे हैं बक्कल कैविटी की, और इस बक्कल कैविटी में क्या क्या चीजें अपने पास हैं, यानी कि अपनी बॉडी में क्या क्या है, ए लिख देता हूं, ABC से। सबसे पहला है हार्ड पैलेट। बक्कल कैविटी की जो ऊपर वाली सतह है, आप जीभ लगा के देखें, ये जो ऊपर है, जो हार्ड है, जो इसका रूफ का काम कर रही है, वही क्या है, हार्ड पैलेट है। इसको हम कह सकते हैं रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की जो रूफ है, ये छत जो है इसकी। दूसरा पार्ट इसके अंदर जो है वो है टंग। टंग क्या है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है और मूवेबल है, लेकिन ये एक एंड पे अटैच है। आपकी जीभ आगे से हिल रही है, दोनों तरफ से फ्री नहीं है, पीछे ये अटैच है। तो ये क्या है, इट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज फ्री फ्रॉम वन साइड एंड अटैच्ड ऑन द अदर। ये कहाँ है, इट इज एट द लोअर सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के लोअर सरफेस के ऊपर टंग है। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने घर पे मिरर में अपनी जीभ जरूर देखी होगी, केवल यही नहीं किया होगा कि दूसरों को जीभ दिखा दी, खुद भी उम्मीद करता हूँ आपने देखी होगी। तो जब आप अपनी जीभ को मिरर में देखेंगे तो नोट करना, जो आगे वाला सा इसका पोर्शन है, वहाँ पे छोटे छोटे दाने से होते हैं, उनको बोलते हैं टेस्ट बड्स। तो किसी भी चीज़ का टेस्ट हमें टंग से ही पता लगता है, यानी कि ऑन द अपर पोर्शन देर आर फाउंड टेस्ट बड्स। टंग के ऊपर क्या पाए जाएंगे, टेस्ट बड्स, या इनको बोल देते हैं टेस्ट पैपिला।
ये क्या कर लेंगे, क्या काम है इनका, इनका काम है टेस्ट के बारे में बताना, किसी भी चीज का टेस्ट क्या है वो बताते हैं टेस्ट वर्ड्स। कैसे कैसे टेस्ट हो सकते हैं, जैसे कोई भी चीज स्वीट है या सोर है, चार ही टेस्ट होते हैं मेन, या सोल्ट है, सोल्टी, या बिटर है, कोई चीज मीठी है, खट्टी है, नमकीन है, कड़वी है, ये सब हमें किससे पता लगता है, टंग से। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका, ये मदद करती है इन द च्यूइंग ऑफ फूड, जब हम चबाते हैं फूड को उसमें मदद करती है, और स्वेलोइंग ऑफ फूड, जब निगलते हैं फूड को, जब हम अंदर निगलते हैं निगलने में मदद करती है, और च्यूइंग ऑफ फूड में मदद करती है। भाई हम भोजन को किससे चबाते हैं, फूड को किससे चबाएंगे, टीथ से, दांतों से चबाते हैं, लेकिन इन दांतों के नीचे फूड को रखना ये किसका काम है, ये जीभ का काम है। जीभ क्या करती है, फूड को उठा उठा के, ये जैसे दांत हैं, जबड़े हैं, तो जीभ उठा के इसके बीच में रखेगी, फिर दांत उसको चबाते हैं। अगर जीभ ना हो, टंग नहीं हो, तो क्या होगा, ये यहाँ तक फूड आएगा कैसे, इसके नीचे फूड को पहुँचाने का काम किसका है, टंग का है। तो च्यूइंग ऑफ फूड में मदद करेगी, स्वेलोइंग में मदद करेगी निगलने में, और टेस्टिंग में तो है ही, फूड को टेस्ट करने में। तो ये दो पार्ट हो गए, ऊपर वाला क्या है, हार्ड पैलेट, जो रूफ है इसकी, नीचे वाला क्या है, टंग। थर्ड पार्ट है टीथ, दांत। तो दांत का फंक्शन क्या होता है, टीथ का क्या होता है, किसी दूसरे को काटना फंक्शन नहीं होता, टीथ का फंक्शन क्या होता है, सबसे मेन तो है च्यूइंग ऑफ फूड, वही है, यानी कि सी, तीसरा है टीथ। जो टीथ हैं, सबसे पहली तो आपने ये बात याद रखनी है कि एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में टीथ की संख्या होती है 32। अब क्या आपके दांत, आपके जितने भी टीथ हैं, क्या ये सारे एक जैसे हैं स्ट्रक्चर में देखने में, तो आप पाएंगे ऐसा नहीं है, ये अलग अलग टाइप के हैं, यहाँ अलग टाइप के हैं, आगे चलोगे अलग हैं, इसके अंदर और अलग हैं, जैसे आप अंदर जाओगे, तो अलग अलग टाइप के टीथ हैं। इट मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स, इसीलिए ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ये हिट्रोडोंट हैं, क्योंकि हिट्रो का मतलब आपको पता है, कई बार आ चुका अब, तो हिट्रो का मतलब यह है डिफरेंट, तो हिट्रोडोंट होते हैं ह्यूमन बींग्स, यानी के दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। इसके अलावा ये जो टीथ है ह्यूमन बींग्स में, ये दो सेट्स में आते हैं, जब बच्चा 6 महीने से लेकर 11-12 महीने तक होता है, यानी कि अप टू 1 ईयर, तो मिल्क टीथ आते हैं पहले, तो दूध या दांत जिनको कहते हैं, और इसके बाद दूसरे आते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि जो टीथ की डेवलपमेंट है ह्यूमन बींग्स में वो दो सेट्स में है, एक बार तो टेम्परेरी हैं जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, और दूसरे कौन से हैं, परमानेंट, तो दो सेट्स में है, इसीलिए हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, डाइफियोडोंट, तो हिट्रोडोंट भी है और क्या है, डाइफियोडोंट भी है। डाइफियोडोंट मीन्स देर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, टीथ के दो सेट्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं। कौन कौन से दो सेट्स हैं, एक तो है मिल्क टीथ और दूसरे कौन से हैं, परमानेंट टीथ। ये तो इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में होते हैं, जो छोटे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, स्मॉल चिल्ड्रन, उनमें होंगे मिल्क टीथ, और फिर क्या आते हैं, परमानेंट टीथ। अब ये 32, क्या मिल्क टीथ भी 32 होते हैं, नहीं, मिल्क टीथ होते हैं दे आर 20 इन नंबर्स, और परमानेंट कितने हैं जो एडल्ट्स में है, दे आर 32 इन नंबर्स। अब देखो इसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं, जब कोई भी ऐसा आंकड़ा बताया जाता है तो आपने ध्यान रखना है कि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं,
बहुत से आदमी ऐसे भी हो सकते हैं कि एक दांत के साथ दो दो दांत आ जाते हैं, तीन भी आ जाते हैं एक आध बार, तो वो एक अलग चीज है कितने ही हों, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं, 32 होते हैं। कई बार इस 32 के बाद और पीछे जाके एक आधा और भी निकल आता है दांत, जिसको विजडम टूथ कहते हैं, तो वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो टीथ हैं इन्हीं के लिए एक चीज़ बनाई हुई है इनकी स्टडी के लिए, जिसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला, यानी कि ये टीथ कैसे कैसे कितने पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में देखो ऊपर लिख दिया कि फोर टाइप्स ऑफ टीथ पाए जाते हैं, नहीं डिफरेंट लिखा, भी फोर नहीं लिखा, अब लिखेंगे। तो इट्रोडोंट मीन्स डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो टीथ हैं वो अलग अलग तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो वो कौन कौन से अलग तरह के हैं, तो वो चार तरह के हैं, देयर आर फोर टाइप्स आपके अंदर जो दांत हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले होते हैं इंसीजर्स, दूसरे होते हैं कैनाइंस, तीसरे हैं प्रीमोलर्स और चौथे हैं मोलर्स। तो चार टाइप के टीथ आपके अंदर हैं, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये चार टाइप के हैं, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये जो सामने वाले दांत हैं ये क्या हैं, इंसीजर्स हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम है कटिंग, इनका फंक्शन है कटिंग, काटना। अब कैनाइंस जो हैं इनका काम है टीयरिंग, कटिंग और टीयरिंग में फर्क है। टीयरिंग जैसे कि मान लिया आप गन्ना चूसते हो, तो कभी भी आप यहां से गन्ने को नहीं छील सकते, क्यों, क्योंकि उसके लिए आपको टीयर करना पड़ेगा, तो साइड में ले जाना पड़ेगा, इस साइड में या इस साइड में, तो वो कैनाइंस का जैसे काम है। तो इंसीजर्स हैं जो कटिंग के लिए यूज होंगे, कैनाइंस हैं टीयरिंग के लिए, और ये भी और ये भी, इनका फंक्शन होता है ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंड करना। अब जब डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हाफ अपर जा और हाफ लोअर जा, दो जबड़े हैं अपने बॉडी में, दो जबड़े हैं, एक तो ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। और बहुत से बच्चों ने ये गौर भी नहीं किया होगा शायद अब तक, कि इनमें से जो अपर जा है वो मूवेबल नहीं है, वो हिलता नहीं है, केवल जो लोअर जा है नीचे वाला है इसी में मूवमेंट होती है, ऊपर वाला अपना जबड़ा फिक्स है, वो नहीं हिलता है। तो इंसीजर्स, नहीं हिलता का मतलब नॉर्मली आपको लाठी लेके आए और उसको तोड़ दे, वो उस हिलाने का जिक्र नहीं है, मतलब वैसे नहीं हिलता, फिक्स है। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, फोर टाइप के टीथ हो गए। अब अगर मिल्क टीथ की मैं बात करता हूं तो इनका डेंटल फार्मूला है 2102/2102। ये क्या है, अपर जा हाफ, ये क्या है लोअर। अब इसमें देखो आप 210, इसका मतलब है दो इसमें क्या है, इंसीजर्स हैं, एक क्या है कैनाइन है, जीरो प्री मोलर्स नहीं होते मिल्क टीथ में, और मोलर्स कितने हैं, टू, दो और एक तीन और दो पांच, पांच ये हैं पांच ये हैं, दस हो गए, टेन हो गए, और पूरे में ये हाफ में थे, पूरे में कितने हो गए, 20। इसी तरह जो एडल्ट ह्यूमन बींग है उनमें जो परमानेंट टीथ हैं उनका फार्मूला क्या है, 2123/2123, 21/23/21। इसका मतलब क्या है, दो इंसीजर्स, यानी कि हमारे अंदर जो एडल्ट ह्यूमन बींग्स हैं इनमें क्या है, दो इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, दो प्रीमोलर्स हैं और तीन क्या हैं, मोलर्स हैं। और ये बात किसकी हो रही है, अपर की। देखो ह्यूमन बॉडी जो होता है वो बाइलेटरल है, यानी कि ह्यूमन बॉडी को आप अगर बिल्कुल बीच से काट दें तो बराबर पार्ट जाते हैं दोनों तरफ, अगर बिल्कुल बीच से काट दिया जाए, बाइलेटरल का ये मतलब है, तो बीच से कोई काट देगा तो एक आंख इधर एक आंख इधर, यहां से काटोगे एक नोस्ट्रिल इधर दूसरा इधर, इसी तरह जबड़े हैं, फिर फेफड़े एक इधर एक इधर,
हाथ हैं एक इधर एक इधर, यानी कि पूरी जो अपनी बॉडी है ये कैसी है, बाइलेटरल है। तो इसमें ये 2 1 2 3 क्या है, हाफ को लेना है, मान लिया इस साइड का हाफ आप ले रहे हो, तो ऊपर वाले में पहले क्या है, 2 इंसिजर्स, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 क्या है प्रीमोलर्स, फिर 3 क्या है मोलर्स। तो ये हो गया अपर और फिर यही लोअर, तो ये कितने हो गए देखो, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, और 8 ये, यानी कि 8 ये और 8 ये, 16, ये कहाँ हुए हाफ, और फिर हाफ इस तरफ के जोड़ो तो टोटल क्या आ जाएंगे अपने पास 32। तो जो टोटल टीथ हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो हिट्रोडोंट हैं, डाइफियोडोंट होते हैं ह्यूमन बींग्स, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, इंसिजर्स कैनाइंस प्री मोलर्स एंड मोलर्स, ये जो मोलर्स जाड़ जिनको कहते हैं, प्री मोलर्स, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं, हम उस बात पर नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, कई बार एडल्ट स्टेज के बाद इन मोलर्स जो जाड़ हैं इनके पीछे कई बार एक टूथ और आ जाता है, 1 2 आ सकते हैं, जिनको बोलते हैं विजडम टूथ। बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है इसमें, विजडम टूथ। ऐसा अंधविश्वास बता देते हैं कि भाई जिसको ये आता है तो वो ज़्यादा दूसरों से बुद्धिमान होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, दांतों से कोई बुद्धिमान नहीं होता, वरना तो बूढ़े तो बेचारे मर ही जाते, क्योंकि उनके दांत तो होते नहीं, नकली दांत होते हैं अपने, कैसेट सी होती है, चढ़ाते हैं उतारते हैं, दिन में बच्चे खेलते हैं, देखो कितनी बड़ी सुविधा है, यानी कि अपने दांत भी खुद साफ ना करने पड़े, तो बुज़ुर्गों की तो मौज है, आप उतारेंगे दांतों का सेट और बच्चों को कह देंगे बेटा 5-10 मिनट के लिए आप खेल लो और फिर मेरे साफ करके धो के मुझे वापस दे देना या रख लेना। चलो छोड़ो, हम बात कर रहे हैं किसकी, बकल कैविटी। तो बकल कैविटी में कितनी चीज़ें आई, 3 चीज़ें आई, रूफ क्या थी, हार्ड पैलेट जो इसका रूफ थी, फिर दूसरी क्या थी, टंग जीभ, इसके बाद क्या थे, टूथ या टीथ, टूथ नहीं सॉरी प्लूरल में क्या कहेंगे, टीथ, जो 4 टाइप्स के हैं, उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फेरिंग्स की, इसके बाद।